वहीं हरियाणा सरकार ने धान की सीधी बिजाई करने पर किसानों को 4000 रुपए प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि देने का फैसला लिया है, जिसकी जानकारी हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल ने दी है। उन्होंने बताया कि धान की सीधी बिजाई को बढ़ावा देने के लिए राज्य के 12 जिलों अंबाला, यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, पानीपत, जिंद, सोनीपत, फतेहाबाद, सिरसा, साथी रोहतक और हिसार, इनमें खरीफ 2023 के लिए 2.25 लाख एकड़ का लक्ष्य रखा गया है। देखिए, इसके बारे में सीएम साहब ने बड़े और हमारे पूरे डिपार्टमेंट ने इसके बारे में बहुत सजगता से और तत्परता से काम करने के लिए आदेश दिए हैं। कल ही एक रिव्यू मीटिंग भी हमने करी थी और हमने इसमें यही अपने ऑफिसर्स को कहा है कि इस जो धान की बुआई है उसको ज़्यादा पानी ना इस्तेमाल करने की जो दूसरी टेक्निक है DSR, डायरेक्ट सोइंग ऑफ राइस, उसको बड़ी से बड़ी संख्या में हमारे किसान उस पर आ जाए, ताकि हम, जैसा आपने कहा, कि हम पानी की बचत कर सकें। और उसके लिए एक बहुत ही अच्छी, एक बड़े स्तर की प्रोत्साहन राशि 4000 रुपया प्रति एकड़ भी सरकार की तरफ से उसकी घोषणा हो चुकी है। और जितने भी किसान हैं, मैं उनसे यही अपील करता हूं कि वो बड़ी से बड़ी संख्या में इस नई प्रणाली की ओर जाएं।